सत श्री अकाल, तुसी लोकरन चैनल पंजाबी देख रहे हो। मैं तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह। सेहत संबंधी जदों मुश्किल आउंदियां ने तां सानूं इक्को नाम चेते आउंदा, डॉक्टर जोगिंदर सिंह टाइगर होणां दा। फनविला दे विच अज असी डॉक्टर जोगिंदर सिंह टाइगर होणां दे कोल मौजूद हाँ। बड़े चिरां तों साडी आस सी कि असी डॉक्टर साहब नूं मिलीए ते तुहाडे रूबरू करिए उहनां नूं कि तुहानूं जो दिक्कतां आउंदियां ने उहनां दे बारे जो हल दसदे ने, इलाज दसदे ने, उस बारे थोड़े तक जानकारी पहुँचाइए। अज असी डॉक्टर साहब के कोल पहुँचे हाँ। डॉक्टर साहब, असी जानना चाहवांगे कि सेहत जिहड़ी संबंधी मुश्किल लोगों को आउंदियां उहदे विच ऑक्सीजन की जे आपां गल करिए तां प्राण क्रिया, श्वासां दी, साह की प्रक्रिया, ऑक्सीजन की महत्ता की है, सब तो पहलां तां इह दस्सो। ये तुसीं बहुत चंगी गल कीती है। दरअसल जिहड़ी ऑक्सीजन है ये साडे जीवन का एक सब तो वड्डा पोल है, सेंटर पोल है। तुसी देखिया होना भी कोई भी जिहड़ी चीज़ हैगी है ऑक्सीजन तो बिना वो कदे भी वर नहीं करती। साडी बॉडी विच साडे जिहड़े भोजन पदार्थ ने, खाना पीना है, जे सही मकदार च ऑक्सीजन होगी तो ही हजम हो। साडी बॉडी नूं पानी की भी लोड़ है, अनाज की भी लोड़ है। ठीक है, देखो बॉडी कुछ देर पानी ते रह सकती है, भोजन बिना काफ़ी देर रह सकती है, पर जे सानूं ऑक्सीजन सही ना मिले, पूरी ना मिले, खास करके जे ब्रेन नूं 5 मिनट ऑक्सीजन ना मिले, असी मैंटली डेड हो जाने, सारी डैथ हो जाती है। ऑक्सीजन का एडा बड़ा रोल है शरीर लई। हालांकि जिहड़े प्राण ने वह कुदरत विचारे ने, पर प्राण दे विच जिहड़ी ऑक्सीजन है उहदा एक महत्व रोल, बहुत बड़ा महत्व है। तुसीं देखिया भी होना जदों असीं छोटे छोटे बच्चे हुंदे सी, सानूं साइंसदान, साइंस मास्टर छोटे छोटे स्कूलों 8वीं 9वीं दे विच वह मोमबत्तियां जिहड़ियां सी, वह ऑक्सीजन दे जदों खुले चलदे आ तां मोमबत्ती चलदी है, तो दसते समझाते सी भी ऑक्सीजन तो बिना कोई भी चीज़ की फ्लेम, कोई भी चीज़ की गति नहीं हो सकती। वो फिर की करते सी, उहदे ते एक बड़ा सारा बॉक्स मुद्दा कर देंदे सी, कच का कोई जार मुद्दा करते सी, वह तुसीं देख 2-4-5 मिनटां दे बाद ना ऑक्सीजन होण करके फ्लेम जिहड़ी सी बुझ जांदी सी। इस करके ऑक्सीजन तो बिना जिहड़ी साडा बॉडी सिस्टम है, जिहड़ी साडा शरीर हैगा, यह जिहड़ा हैगा निर्बल हो जांदा। डॉक्टर साहब, इहदे नाल होर की दिक्कत आउंदियां जिहड़े तुसीं कह रहे हो कि साह जिहड़ा ओह सानूं ऑक्सीजन, चंगी ऑक्सीजन चाहीदी है, कित्थों मिल सकदी है? देखो, चंगी ऑक्सीजन जिहड़ी है खुल्लियां थावां तों मिलदी है, जिथे खुले वातावरण होण, खास करके स्पैशली जदों तुसीं 24 आवर्स ऑक्सीजन जिहड़ी तो दूर रहने हो, जिवें एसी च रहने हो जां बंद कमरे च रहने हो। स्पैशली अज कल दा जिहड़ा आर्कीटेक्चर हैगा, जिहड़ा बिल्डिंगां दा डिजाइन है जिहड़ा अज कल हो रहा है, वह एंटी ऑक्सीजन है। और दुनिया के विच तुहानूं हैरान हो, जिन्ना मैडिकल साइंस नूं असीं कहिंदे तरक्की कर रही है, उस तो खतरनाक मैडिकल साइंस जिहड़े रोल अदा कर रही है। तुसीं PGI चल जाओ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਕਤੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਫਲੋ ਰੋਕਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, AC ਲਾਤੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ओपन दे विच मिल सकती है। जिहड़ा एशियन आर्कीटेक्चर हैगा वह ऑक्सीजन का भंडार है। सारे साढ़े जिहड़े पुराने एशियन मकान ने उन्हां दे विच विंडोआं हुंदियां सी, ते वेंटीलेटर हुंदे सीगे, असी बाहर सौंदे सी, बराड़े हुंदे सी, ते खुली हवा हुंदी सी, ते वृक्ष हुंदे सी। जिहड़ी ऑक्सीजन हैगी है ये इन्हां थावां ते पाई जांदी है खुले वातावरण दे विच। इस करके जे ऑक्सीजन ज़्यादा लैनी है तां सवेरे उठ के सैर करनी, खुले वातावरण च रहना, खुलियां थावां ते रहना, खास करके दरियावां दे किनारे घूमना, सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग जदों पोल्यूशन घट हुंदी है उदों सैर करनी। और जे इहदे बावजूद होर तुहाडे शरीर दे विच ऑक्सीजन दी मकदार घट होवे तां कुछ साडे कोल श्वास दीआं जिहड़े ने आसन हैगे ने, श्वास दे जिहड़े ने साडे कोल योग आसन हैगे ने, उहनां दे विचों देखो साडे कोल जिवें इनहेल करन दा सब तो डीप ब्रीदिंग जिहड़ी है ऑक्सीजन लई सब तो वड्डी चीज़ है। लंबा सांह जिहड़ा हैगा वो कित्थे लिया जावे? तुसी थके हुए हो, फॉर एग्जाम्पल तुसी आपदी विंडो जी खोलो, तो आपदा गेट जा खोलो, 2-3 वड्डे वड्डे सांह मारो, तुहानूं उहदी पता लग जूगा कि ऑक्सीजन की कमी कारण मैं कितना थकिया होया सी। तुसी दौड़ के आ रहे हो, थोड़ियां मांसपेशियां थकिया हुई ने, तुसी बह के डीप ब्रीदिंग लो, तुहानूं 5 मिनट च लगेगा जिवें मैं गर्म दुध्ध दे 2 गिलास पी ले, एकदम रिलीफ। ऑक्सीजन का कारण की है, जो ऑक्सीजन साड़ी बॉडी विचों घटती है, साढ़े विच घटन दे नाल फिर की हुंदा,
इनऑर्बिक जिहड़ी हैगी है फंक्शन ऑक्सीजन का शुरू हुंदा जिहदे नाल लैक्टिक एसिड जिहड़ा बॉडी दे विच पैदा हुंदा जिहड़ा लैक्टिक एसिड हैगा वह तेजाब बनाउंदा है उस करके हार्ट अटैक हुंदा है उस करके लंग्स खराब हुंदियां ने उस करके एपीलेप्सी हुंदी है उस करके जॉइंट पेन हुंदी है उस करके असी लथार्जिक हुंदे आ उस करके कई बार चलते चलते थक जाने उस करके कई बार सिर नूं चक्कर आउंदे ने इह रीज़न इहदे बहुत ज़्यादा ने ऑक्सीजन घट होण दे जे तुसीं ऑक्सीजन नूं वधाउणा जिंदगी दे विच तां योग क्रियावां हैगीआं ने योग आसन हैगे ने तां 5-6 ने उह तुहाडे नाल मैं सांझे कर लैणा तुसीं उह कर सकदे हो दस्सो कि योग आसन ने जिन्हां दा फायदा हुंदा जो मैं ईवन मैं आपदे बारे दसा मेरा 2002 दे बड़ा वड्डा एक्सीडेंट हो गया सी मेरी गड्डी जिहड़ी सी ट्रक चढ़ गया 500 फुट रोड़े दा उहदे थले स्मैश हो गई टीवी दे विच आ गया ते डॉक्टर जगिंदर ट्रैक डाइड इन एक्सीडेंट हाँ जी वो अज भी अखबार है मेरे को देव सेवक दे मेन पेज से लग्या है उहदे विच फिर मेरे बाहां भी निकल गई मेरा हार्ट भी दब गया लंग्स भी दब गई मेरिया वो सारिया जड़ियाँ ने जड़ियाँ मैं बिना दवाइया तो कोई भी मैं डॉक्टर प्रूफ नहीं कर सकता मैं वो तो कोई दवाई लेती हुए सारी जड़ी मैं ऑक्सीजन वेस्ट इनहेल करके ही मैं अपने आप क्योर किया तो ठीक होया ऑक्सीजन की तो एड्डी वड्डी महत्ता है जे थानू कि ठीक सवास लेना आ जाए ठीक ऑक्सीजन बारे पता लग जाए यू हैव नो नीड ऑफ एनी मेडिसन इहदियां चार पाँच देखो उंज तो जे असी देखा जाए भाई जिवें तुसीं हठ योग के ग्रंथ पढ़ोगे उन्होंने मेन 84 जिहड़े ने आसन पर उन्हां विच 11-12 एक ऐसे आसन ने जिहड़े साडी सवास दे नाल रिलेटड ने उन्हां विचों मेन सब तो खूबसूरत जिहड़ा हैगा सवास वास्ते वह है अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम का मीनिंग भी मैं तुहानूं दस देना की हुंदा अनुलोम का मीनिंग हुंदा थले जाना अंदर लैके जाना विलोम का मीनिंग उल्टे बाहर कढ़ना सवास नूं अंदर लैना ते बाहर कढ़ना उहदी विधि हैगी है कि तुसीं सवास नूं सब तो पहलां साडे ईड़ा ते पिंगला दो नाड़ियाँ ने उहदे सेंटर विच सुक्षमना नाड़ी है जिहड़ी सुक्षमना नाड़ी हैगी है जदों भी यह ब्लॉक होगी थोड़ी बॉडी दे विच बीमारी उदों शुरू होगी जिहड़ी सब तो पहला की करना जिहड़ा चंद्र हैगा चंद्रा नाड़ी जिहनूं की कहिंदे आपां ईड़ा नाड़ी एक पिंगला नाड़ी है तुसीं पिंगला आसन बारे भी सुणिया होणा उह सूरज पक्खी नाड़ी है पिंगला हो क्यों जांदा है जदों माँ के पेट के गर्भशाला च बच्चा होंदा है जदों उन्हूं सूर्या का प्रकोप होंदा हड्डियां नरम होंदियां ने पिघल जांदियां ने मेटल उहदे नाल मेल्ट होकर बिंगियां हो जांदियां जदों बर्थ हुंदा है तो बच्चे फिर उदों पहाज बिंगे टेढ़े जमदे ने इस करके पिंगला तो उत्तों सूरज तो पिंगला आश्रम भी ताहीं बने हुए ने साडे ईड़ा जिहड़ी उह चंद्रमा पक्षी है ईड़ा थोड़े ज्ञान है सारा ईड़ा नाल ही थोड़ा जिहड़ा समूथ रहने हो ईड़ा नाल ही काम रहने हो ईड़ा नाल ही मैडीटेटिव रहने हो ईड़ा थोड़ा सारा इंटेलीजेंस है ईड़ा थोड़ी विद्या है ईड़ा थोड़ी विद्या है विद्या का प्रसार सारा ईड़ा करके है थोड़ा डायलॉग ईड़ा करके है थोड़ी समूथनेस ईड़ा करके है थोड़ा लव ईड़ा करके है थोड़ा सेक्स ईड़ा करके है थोड़े बच्चे ईड़ा करके ने मतलब चंद्रमा नाल बहुत रिलेटेड चीज़ें ने ईवन थोड़ा वीरिया जिहड़ा ईड़ा करके है शुक्र जिहड़ा है सूर्य करके इहदा लंबा बड़ा कम हैगा छोटा कम नहीं हैगा पर जदों तुसीं इहदे ते गल करोगे सब तो पहला जदों तुसीं अनुलोम जदों करना हैगा सब तो पहला जिहड़े ने प्राण जिहड़े ने जिहड़ी वाजू जिहड़ी हैगी तुसीं अंदर वह तुसीं लैफ्ट साइड ते साडे ईड़ा हुंदी है मतलब कईआं नूं तां डॉक्टर साहब इहदे बारे पता ही नहीं हुंदा ना जिवें यूट्यूब तो देख लिया कि असीं अलोम विलोम करना है तुसीं कह रहे हो कि पहला खब्बे पास्यों जिहड़ा उह साह अंदर नूं खिच्चना उह खब्बे पास्यों असीं क्यों करना है खब्बे पासे जिहड़ा असीं मेडिटेटिव होना हुंदा सब तो पहला जिवें देखो आपां साह लेना तुहानूं कोई कहणगे जी आ उंगली नूं ऐं कर लो कि चीची ने कुछ नहीं हैगा सिंपल तुसीं इधर वाली जिहड़ी नास नाल नेसल नाल साह लेना है उहनूं खुले छड्डना है दूजे नूं जिधरों साह कढ़ना है उहनूं पहला बंद करना जिवें देखो हुण साह लेना तुसीं आया हुण छड्डना तुसीं हुण इधरों लेना है सज्जे पास्यों इहदी विधि की हैगी है कि जिन्नी देर अनुलोम विलोम क्यों कहिंदे अनुलोम अंदर लैंदे हो तुसीं अगर तुसीं 4 सैकेंड दे विच साह अंदर लैंदे हो तां उह तों हाफ टाइम उहनूं अंदर रोकणा ते उदों डेढ़ टाइम दे विच उहनूं बाहर कढ़णा इहदी विधि है और 6 मिनट तों बाद कदे भी अनुलोम विलोम नहीं करना
क्योंकि एनर्जी का ज़्यादा प्रसार हो जाता बॉडी के, फिर एनर्जी समझी नहीं, फिर अलामतां होर पासे बदल लग जाते हैं। साड़ी आदत हैगी कि असी सीख लिया उत्ते टीवी के उत्ते रेलवे इंजन वांगू लगे असी घंटा अद्धा अद्धा घंटा कमले वांगू, इहदी लोड़ नहीं हुंदी। मैक्सीम 6 मिनट लई करना है। उस तो अगे अलोम विलोम हो गया, पहले डीप ब्रीथिंग होगी, फिर दूजी हैगी डबल श्वास क्रिया हैगी साढ़े को डबल श्वास क्रिया की हैगी, सानू आपदे नू दो भागों में बंड लेना। वो किवें बंडना है, जिवें देखो दो भागों में बंड लेना, इहदे नाल साडी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुंदी, सानू डबल साह आउंदा तो साड़ियाँ लंग्स ज़्यादा खुलदियां ने, ऑक्सीजन का प्रसार बढ़ता है, साढ़े जिन्हें सैल ने सैलूलर सिस्टम तक यह काम करता है। साड़ी बॉडी में सब तो जी माइक्रो जी स्कोपिक चीज़ हैगी सैल ने, सैलों ने ही फंक्शन करना है। जो सैलूलर सिस्टम साड़ा ठीक है, साड़ा सारा सिस्टम ठीक है, ठीक है। उस तो अगे तुम वर्मरी प्रणाम भौरा ने उन्होंने वर्मरी प्रणाम कहते हैं, भौरा प्रणाम जिन्हों आप कहें, पिंड भौरा नहीं हों काला तंदैया, वर्मी का मतलब होंगे काला तंदैया नहीं होंगे जो करना है, इस करके जो आप गर्द करते ना वह इस करके होंगे, वो सा मस्तक भी खुलता है, लंग्स भी खुलदिया ने, साडे कन्न भी खुलते हैं, साड़ी छाती भी खुलती है, समझा कि कई बार सानू पता ही नहीं कि वर्मरी प्रणाम है की है। उस तो अगे साढ़े फिर उदो अगे उदगीत प्रणाम, उदगीत प्रणाम जी है वो प्रणाम के हैगा, उदगीत उद का मतलब होंगे उच्चा, गीत का मतलब होंगे गाना, जिमें उची देने गा के असी सानू बार कटना, जिम्मे कहते हैं ओ रीज़न की हैगा कि जदों श्वास ने साडे ने उची किरे दे विच बाहर आना है तो साढ़े मस्तक के जड़े ने सारे रोम खुलते हैं, ये नाल की फायदा होंगे सानू, जे एपीलेप्सी हो ठीक हो जाती है, ठीक है। ईवन जी साढ़े को पार्किंसन जोड़ा हैगा उसके भी बड़ा फायदा होंगे। पंजाबी की कहें जी जी तुम जिड़िया दसिया भी इन्होंने चीज़ों का फायदा उदगीत मतलब उच्चा गीत गाना जिदे उच्ची आवाज आवे गीत गाव जिमें ओ जिमें लोग बहर कर रहे ने बैठे कर रहे ना जिमें सच्चे पाशाह ओम की आवाज़ थोड़ा क्लीयर कर सकते हो, किसी भी चीज़ में साउंड सिस्टम के उच्चा लैके जाना है, जो उच्चा लैके जाना है उस वाइब्रेशन नाल थोड़ा माइंड खुलना है, थोड़ा ब्रेन खुलना है, थोड़ी लंग्स से ब्रेन की सेंक्रोनाइजेशन होनी है, थोड़े हार्ट जड़े ने जी सप्लाई जी हैगी सब तो वह जी सा ब्लड जोड़ा है 20% 25% ब्लड साड़ा सारा ब्रेन में जाता है, वो सप्लाई सारी खुल जाती है, वो उपरनाम हैगा वो प्राणायाम जोड़ा है। उस तो अगे साढ़े को उस तो अगे असी अपना तुसी दूसरा कर सकते हैगे हो अपना श्वास क्रिया कर सकते हो, श्वास क्रिया के उत्ते भी कोई जोर नहीं लाना, जिमें जस्ट फॉर एग्जाम्पल की हैगा देखो आ भी श्वास क्रिया, इहनू श्वास क्रिया कहिंदे ने, आ उपर लै जाओ उहनू देखो आ पहले उपर जाते हुए सांस नू इनहेल करना है, उपर जाना थले कढ़ना है, फिर अहीं अगे जाना है अगे पिछे करके, ये जड़े ने साडे कोल बहुत सौखियां विधियां ने। और जी दूजे पासे साडे कोल जी असी आम करते हैं तुहानू पता होगा बाबा रामदेव वाली विधि, तुहानू पता हो किहड़ी है विधि किहड़ी विधि है कपालभाती, हाँ ये कपालभाती तो थोड़ा जा ये हैगा कि यह थोड़ा यह हठ योग की विधि है, यह प्राणायाम प्रणाम जो नहीं आता हैगा, यह कि आता है प्राणायाम नहीं हैगा, ये एक्चुअली ये प्रणाम सांस क्रिया है, किरिया चों आता है, इनू जो असी हठ योग दे विचों करते हैं कई बार ये हैगा कि जे खाना खा के ज खाने तो पहला हाजम होने तो पहला कर दिए तो यह ठीक करने की बजाय बॉडी नू खराबियां करता है, ये बहुत खराबियां करता है, हाँ इस करके जी जिन्हें भी आसन ने इन्हों समझ सोच के करना चाहिए, जो समझ सोच के करते हो तो जिहड़ा स्पैशली अनुलोम विलोम है, जे कला कोई बंदा रोज़ करता है तो लगभग उन्हूं जे बॉडी दे विच उन्हूं 70 किस्म दी बीमारियां ने मैं लगता भी कदी रह जांदे सारे छुट जांदे। दरअसल मैं इत्थे मेरा ध्यान चाह रहा सी, कई लोग इहो जे हुंदे ने सवेरे उठदे ने टीवी लांदे ने कमरे दे विच ही शुरू कर देंदे ने योगा, उत्थे कर सकदे ने जां नहीं क्योंकि वातावरण लगता कि उत्थे सही नहीं हुंदा। असी जिहड़ा प्रणाम 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 तो याम है अगे
प्राणायाम है, प्राणायाम प्राण दे कसरत करनी है, उसकी एक्सरसाइज करनी है, श्वास क्रिया की एक्सरसाइज करनी है। जे साडे कोल फ्रैश ऑक्सीजन ही नहीं तो प्राण कित्थों लेके आओगे, वो याम कित्थों करोगे। इस करके जिनी भी जी प्राणायाम की एक्सरसाइज हैगी है वो ओपन च करो, खुले च करो, उन्होंने जिथे तक हो सके, जिथे खास करके ट्रीज होन, प्लांट्स होन, खुला लान हो, उत्थे अपना एक बिछाउणा जिहा बिछा लो, उत्थे बह के करो। उत्थे बह के जदों तुसीं करदे हो कमरे दे विच बह के, तां तुसीं उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट करदे हो, क्योंकि जदों असीं एक्सरसाइज करदे हां जां प्राणायाम करदे हैगे हां, उहदे विच की हुंदा हैगा कि जदों असीं श्वास लैंदे हां, श्वास जिन्ना असीं लैणा है उन्नी ऑक्सीजन कमरे 'च है नहीं, उहदे नाल असीं प्रॉब्लम 'च आउंदे हां। कई वारी जे कमरे दे विच लगातार असीं करिए, कई वारी बीपी वध जांदा ते कई वारी ब्रेन नूं स्ट्रोक भी हो जाती है। इस करके जदों भी ये जिन्ने भी आसन करने ने, ऋषियां मुनियां ने, फकीरां ने, जिन्हां ने संत महात्मा ने इन्हां ते काम कीते ने, उन्होंने बड़े लंबे तजर्बियां तों बाद कीते ने, ये ओपन स्पेस च बैठ के करने वाले जिहड़े ने एक्सरसाइज ते आसन ने, इहनूं ओपन च ही करना चाहिए, बंद कमरियां च नहीं करना चाहिए, तां कि सानूं उहदे नाल पूरी ऑक्सीजन मिले। जदों पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो साडा जिहड़ा बॉडी सिस्टम है वह सैलूलर कम करेगा, मतलब बरीकी तक कम करेगा, क्योंकि जिहड़े सैल ने साडी बॉडी नूं उही चलाउंदे ने, उही मारदे ने। जे साडे सैल की जिहड़े ने, सैलां दा फंक्शन की हैगा, जदों जिहड़ा ब्लड हैगा, ब्लड साडी ऑक्सीजन नूं कित्थे तक लैके जांदा, सैलां तक। जदों सैलां तक ऑक्सीजन लैके जांदा, ब्लड दा फंक्शन खत्म हो जांदा, फिर किहदा रह जांदा, सैलां दा ते ऑक्सीजन दा। जो सैलां ते ऑक्सीजन का रिलेशनशिप असी सही बना लिया तो बीमार होंदी नहीं सी। ये इम्यूनिटी ते किदां असर होंदा, इम्यूनिटी किदां बूस्ट होंदी, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर ते बंदा ही स्ट्रोंग हो गए, सैलां दा ते ऑक्सीजन दा थोड़ा रिलेशनशिप इकट्ठा हो गया तो इम्यूनिटी अपने बन गई। इम्यूनिटी कदों कमजोर होंदी है, जदों बॉडी दे विच ऑक्सीजन की सप्लाई कम होवे। जिनी इम्यूनिटी बॉडी की घट होगी, उन्नी ऑक्सीजन की सप्लाई घट होगी। जदों ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है, उदों इम्यूनिटी पूरी है। देखो जिवें तुसीं किसे बंदे नूं रनिंग करन ला दो, एक बंदा 2 किलोमीटर दौड़ूगा, एक बंदा किलोमीटर दौड़ूगा, उहदा रीज़न की हैगा कि उहदे जिहड़े सैल ने, सैलूलर सिस्टम है, उत्थे तक ऑक्सीजन दा बहाव पूरा नहीं जा रहा, उहदियां मांसपेशियां जल्दी थक रहीआं ने। जिहनूं ऑक्सीजन दा बहाव पूरा मिल रहा, उहदियां मांसपेशियां नहीं थक रहीआं, उह ज़्यादा दौड़ रहा। जदों उहदियां मांसपेशियां थक नहीं रही, ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, उहदी इम्यूनिटी रखड़ी है, उहनूं कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगल कोई कि नहीं घेरदे, कोई करोना शोना कुछ नहीं घेरदा। एक्चुअली इह जिहड़ा साडा योग हैगा, इहदे विच दवाई नालों वध कम जिहड़ा हैगा, जिन्ने साडे कोल र्यूमर WHO उड़ा रही है करोना दी, जां साडे जिहड़ा हैगा ड्रग माफिया उड़ा रहा है, इह हैगे ने थोड़े बहुते वायरस, जे इह जानलेवा वायरस नहीं, बहुते हुण तां फट फट के इत्थे मरी जा रहे ने बैठे। यह एक्चुअली यह जिन्ना भी सिस्टम हैगा, जे तुसी अपनी ऑक्सीजन दे बहाव नूं प्राण दे नाल पूरा चल कर लो, इम्यूनिटी सिस्टम इन्ना बिल्ड हो जाता, कोई वायरस बैक्टीरिया वो तो इफेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि वायरस भी जिहड़ा हैगा वो की हैगा, वायरस का जिहड़ा होस्ट है वह सैल है। कौन है? सैल है। उन्हें सैल ते बह के सैल दे ही नुकसान करना, ठीक नहीं। जदों साडे कोल ऑक्सीजन दा बहाव ते प्रवाह पूरा हैगा तो सैल ते वायरस नूं खंगड़ दिंदा जी, खत्म करदा। बिल्कुल, मतलब इम्यूनिटी अपनी तगड़ी होनी चाहिए अंदरों। बस इसे ते डिपेंड करदी है कि तुसीं आपदी बॉडी दे विच प्राण दे नाल ऑक्सीजन दा बहाव पूरा किवें करदे हो, यही थोड़ी कला है। वो यही ज़्यादा दरअसल साड़ियाँ दवाइयाँ तो छुटकारे का बहुत बड़ा साधन है। ये तो सानू बहुत काम करना चाहिए, सारे डॉक्टर विज्ञान में ये काम करना चाहिए। असी दवाइया फैक्ट्रियां बनाने के उत्ते, लोगों को एक्सपलाइट करने के उत्ते, असी डिपार्टमेंट बनाने के उत्ते, सैकटरी लाने के उत्ते, डॉक्टर लाने के उत्ते, डायरेक्टर लाने के उत्ते, PGI बनाने उत्ते, ऑल इंडिया बनाने उत्ते, मंत्री लाने के उत्ते, शराबियों तो असी मंत्री बनाया है, इस सिस्टम का किवें चलूगा, नहीं चल सकता। कई बार इदा होंगे ना डॉक्टर साहब, कई होंगे कि तुरंत इलाज चाहिए सानू, माड़ा जहा साह औखा होया तो जाके कोई एलोपैथी वाली गोली खा ली, एक अद्धी घर रहे हो जी रख ली, उन्होंने लोगों को की सलाह दोगे? खाण पीन का भी ध्यान रखना चाहिए ना माड़ा मोटा। खाण पीन का ध्यान बहुत जरूरी हैगा, पर खाण पीन मैं थोड़ी एको गल पहले भी दस के हटिया, साढ़े हाजम ता होना है जो साड़ी बॉडी के ऑक्सीजन का बहाव प्रॉपर है। खाना पीना सानू ताज़ा चाहिए, रुत धिर दी सब्जियां खाने चाहिए, रुत सिर दे सानू मेवे जड़े ने, मेवे कहने, फल खाने चाहिए ने, खाना खाना चाहिए रुत सिर दा,
ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਚਣ, 3 ਪਲੇਟਾਂ ਸਲਾਦ ਦੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, 2 ਪਲੇਟਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਨਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫੋਨਾ, ਉਹੀ ਫਲੋਰਾ। ਫੋਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ? ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ। ਫਲੋਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਫੋਨਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਨਾ ਫਲੋਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਲੰਡਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਕਮਲੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਿਮਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਸਾਹ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣੇ ਸਭ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਟਪਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਟਪਕੂਗੀ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਟਪਕਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੱਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਟਪਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਸਟ ਬੜੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਲਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਗਰ ਕੁਲਚਾ ਦੇ ਕੇ ਟਪਕ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਸਟ ਬੜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੇਸਟ ਗਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੈਂਟਲ ਆਪਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਊਂਗਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਨਵਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਨਵਿਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨਵਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਿਆ, ਡਕਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫਨਵਿਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਕਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਉਤਰੋਂਗੇ ਉੱਥੇ ਫਨਵਿਲ ਹੈ, ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਨੋਜ਼ ਫਨਵਿਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਈਗਰ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਈਗਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨਵਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।